तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए तेमनी माता साथेनो तेमनो केवो संबंध रह्यो ते तेमणे जे वर्णव्यो हतो ते आपने संभळावीए। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं, मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती है? आज देती है, देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो 125 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती ही देती है आज भी। अच्छा, और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने भी, हाँ जी, बात है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ, तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता, जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था, फिर भी ये भी कोई पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। अब मेरी माँ 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी, उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, अभी बूस्टर डोज, तीसरे डोज की चर्चा चल रही है, मेरी मां ने नहीं लगवाया क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है, तो उन्होंने नहीं लगवाई। कानून नियमों का पालन प्रधानमंत्री भी करता है, प्रधानमंत्री की 100 साल की उम्र की मां भी करती है।